आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पे नियर बाय से SMS पेमेंट कैसे करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने पे नियर बाय एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे यहाँ पे SMS पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। SMS पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको कितना बैलेंस का विड्रॉल करना है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अमाउंट ऐड कीजिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे इसका लिंक भेज सकते हैं या मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं या ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो चलिए हम मैसेज के थ्रू भेजते हैं इसको। यहाँ पे लिंक आ चुका है, अब यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करेंगे और क्रोम के ब्राउजर पर जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो कर जाएगा, अब यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ से किस थ्रू पेमेंट करना है आपको, आप यहां से चूज कर सकते हैं। तो हम यहां पे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे कार्ड नंबर भरना है, एक्सपायरी डेट भरना है, मंथ भरना है और ईयर भरना है और कार्ड का जो CVV नंबर होता है वो ऐड करना है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम भी भरना है। चलिए हम यहाँ पर सब कुछ भर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बोलेगा कि रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP के लिए, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे ऐड करना है। OTP इंटर करके और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और पेनियर के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।